इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अभी जो लफ्ज़ मैनेज का जो एक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ये चार ऑपरेशंस कौन से हैं? वो ये हैं कि हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को, या हम किसी ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, और इसी तरह किसी डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना हो और कोई भी डॉक्यूमेंट हो अगर हम उसका आखिर में कोई प्रिंट निकालना चाहें प्रिंटर के ज़रिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं पहले टास्क की तरफ कि हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ हमने एक शॉर्टकट इसका बनाया हुआ है इस टूल बार में, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि हम जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन क्या होगा। उस डिज़ाइन को टेम्पलेट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें सबक फाउंडेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी या तारुफ उसमें मौजूद हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम सबक फाउंडेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ से ये एक जो इसका एक तारुफ है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो हमने क्या किया कि एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि सबक फाउंडेशन की जिसमें सबक फाउंडेशन से मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हमने किया है। अब आप चाहते हैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ फिर से, तो मैं यहाँ पर लेट सपोज़ एक फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे तो एक देखें दो डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये डॉक्यूमेंट वन इसमें जो सबक फाउंडेशन से रिलेटेड था और डॉक्यूमेंट टू हमने अभी क्रिएट किया। तो इस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे भी आप न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके हैं, लेट सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की है सेव की, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल और एस को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये भी तब भी ये सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हम सेव करना चाहते हैं इसको डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर ये सेव हो जाएगा। अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो चुका है, अब इसको हम अगर क्लोज़ करना चाहें तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सबक फाउंडेशन का जो हमने ये फाइल डॉक्यूमेंट बनाया है इसको हम ओपन करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो रीसेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर सबक फाउंडेशन ट्रस्ट का जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था इसको हम ओपन करेंगे। तो देखें ये यहाँ पर अब ओपन हो गया। तो ये अब तक हम तीन टास्क परफॉर्म कर चुके हैं, क्रिएट, ओपन और सेव। आखिरी टास्क है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को अगर यही डॉक्यूमेंट है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप फिर फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट व्यू आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर हमारे लिए इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल देगा। तो इस तरह से हम ये अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं। ये हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं, इसके ज़रिए हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं।